22 जुलाई से सावन का महीना आरंभ हो रहा है। इस माह में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु अगरबत्ती और प्रसाद की पन्नियां छोड़ जाते हैं। कई बार श्रद्धालु मंदिर में ही किसी पन्नी में प्रसाद रखकर बांध देते हैं। इसके कारण न सिर्फ मंदिरों के सौंदर्य प्रभावित हो रहे हैं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसको देखते हुए शहर के बड़े मंदिरों ने प्लास्टिक बैन कर दिया है। इन मंदिरों में प्लास्टिक का उपयोग मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी भी नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के गिलास, प्लेट, पानी के वगैरह की जगह अब स्टील के बर्तनों का उपयोग करने का संदेश दिया जा रहा है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही आसपास के दुकानदारों को भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। टिल्को श्रीराम मंदिर कमेटी के सदस्य राजेश भोजपुरिया ने बताया कि मंदिर में पॉलिथीन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसकी शुरुआत पिछले नवरात्र से ही की गई थी। श्रीराम पादुका आश्रम कदमा समिति के महासचिव ने कहा कि भगवान का घर है, इसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हर हफ्ते पन्नियां हटाते हैं। सोनारी काली मंदिर के पुजारी गोपाल बनर्जी ने बताया कि मंदिर में कई लोग मन्नत के लिए धागा के बजाय अगरबत्ती की पन्नियां बांध देते हैं। प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है, इसका क्या कारण है? देखिए, ये तो सरकार के तरफ से प्रतिबंधित किया गया है और हम लोग भी, जो भी आता है भक्त लोग, सबको बोलते हैं भाई प्लास्टिक लेकर के मत आओ, ठोंगा में जो भी लाना है, मिठाई उठाई सब ठोंगा में लाओ। लेकिन लोग मानता नहीं है, समझाने के बाद भी नहीं मानता है। इसका क्या दुष्प्रभाव होता है प्लास्टिक? ये तो दुष्प्रभाव जैसे गैया लोग खा जाती है, गाय लोग मर जाती है, और सब तरह से इसे हानि है, प्रकृति का भी हानि है, प्रकृति का भी हानि है। इसलिए आप लोगों ने निर्णय लिया? हम लोग तो निर्णय लिए हैं, जो कि जो भी आता है भक्त लोग बोलते हैं भैया प्लास्टिक में कोई सामान लेकर के मत आना, होंगा में लेके आओ, पेपर में लेके आओ, लेकिन प्लास्टिक में लेकर के मत आओ। हम लोग तो समझाने के लिए पूरा समझाते हैं। आप पूरी तरह से प्रतिबंध है? एकदम प्रतिबंध है। मंदिर प्रांगण में प्लास्टिक नहीं ला सकते? एकदम। हम लोग जो भी अगर ले भी आता है उसको बोल देते हैं कि बाबू आइंदे से मत लाना प्लास्टिक में। क्या नाम हुआ बाबा? महेश्वर पांडे।